हेलो दोस्तों, मैं संदीप, आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज देखते हैं हम संधि के बारे में। ये संधि का हमारा कौन सा पार्ट होगा दोस्तों? पांचवा पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा दोस्तों? पांचवा पार्ट होगा। इसमें हम देखेंगे यण संधि के बारे में विस्तृत रूप से। दोस्तों, यण संधि के बारे में विस्तृत रूप से देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे पुरानी वीडियो यानी कि जो पहले की संधियां या फिर अन्य वीडियो आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा। संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा रखा दोस्तों, तो वहीं पर जाइएगा, आपको इसकी पूरी वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखते हैं संधि का पांचवा पार्ट। देखिए, संधि के बारे में बताया था, संधि किससे मिलकर होता है? समधंधि। सम का मतलब होता है बराबर, धि का मतलब धारण करना, किसी चीज़ को बराबर रूप से समान रूप से धारण करना, वही का होता है संधि होता है। अगर संधि का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, समझौता, मेल या जोड़ होता है दोस्तों, ठीक। और संधि का विलोम कहा जाएगा विग्रह। संधि कौन सी लिंग होगी? स्त्रीलिंग। और संज्ञा कौन सी हो जाएगी? संधि भाववाचक, ठीक। एक चीज हम देखते हैं, इसकी परिभाषा कर देखते हैं, तो दो वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है या बदलाव उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है दोस्तों, ठीक। चलिए हम संधि के प्रकार देखते हैं। देखिए, जहां तक अगर हम संधि के भेद की बात करते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और हम आपको बता दें कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि का होता है जहां स्वर से स्वर का मेल होता है दोस्तों, वहां पर क्या होता है? स्वर संधि। तो इसके भेद देखते हैं, कितने भेद हैं, कितने प्रकार है दोस्तों। देखिए, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो पांच भेद हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं, गुण स्वर संधि पढ़ चुके हैं, वृद्धि स्वर संधि पढ़ चुके हैं, अब बारी है आपके यण स्वर संधि की दोस्तों। इसके बाद लास्ट होगा आपके स्वर संधि का वीडियो आयादि का। तो आज हम यण संधि स्वर संधि के बारे में विस्तृत देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं यण स्वर संधि के बारे में। देखिए, यण स्वर संधि का मतलब क्या होता है? देखिए, जहां पर क्या होता है, यदि ई और ई या फिर ऊ बड़ा ऊ और री के बाद ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, क्या हो जाए? भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या हो जाता है और ऊ का वा हो जाता है और री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है दोस्तों। समझिएगा, नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं, आप समझेंगे कि देखिए, जहां कहीं भी आपको ई या बड़ी ई के बाद में कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब क्या कि ई और ई ना हो करके और कोई भी स्वर, मतलब कि टोटल 11 स्वर होते हैं तो 11 स्वर में से हम दो घटा दें यानी 9 अन्य स्वर, मतलब ई और ई को छोड़ करके बाकी 10 स्वर, 10 अन्य स्वर, मतलब कि अगर ई के साथ में रहते बड़ी ई आ सकता दोस्तों, ठीक है। तो इनके साथ में अगर भिन्न स्वर, सॉरी, इनके अलावा अगर भिन्न स्वर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? देखिए, ई और ई के साथ में कितने भिन्न होंगे? 9 भिन्न हो जाएंगे, ठीक। 9 भिन्न स्वर हो जाएंगे, जैसे कि छोटा आ बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस तरीके से ना वो मिलेंगे। उसके बाद अगर ई के साथ में मिलते तो वो किस में टूट जाएगा? या में, या हो जाएगा दोस्तों, ठीक। उसी प्रकार से अगर ऊ और ऊ, ऊ और बड़े ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर मिलता है, चाहे वह छोटा आ बड़ा आ हो, चाहे वह ई हो बड़ी ई हो, है ना, या फिर ए आए ओ ओ, वो मिलेंगे दोस्तों, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से री मिलता है भिन्न स्वर के साथ में अपने, तो रा में टूट जाता है दोस्तों, ठीक। तो ये है आपका यण संधि का एक प्रकार से सूत्र। दोबारा समझ लीजिए कि अगर ई और ई के बाद में कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो वो या में हो जाएगा दोस्तों। अब ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर मिलता है तो वा में जाएगा, और री के बाद में कोई भिन्न स्वर मिलता है तो रा में टूटेगा। चलिए शुरू करते हैं इनके एग्जाम्पल। देखिए, अब हम ई और आ मिलके या करते हैं। देखिए, हमने बताया था ना, ई के साथ में कोई भिन्न स्वर मिलेगा, देखिए ई के साथ में हमने आ जोड़ दिया भिन्न स्वर, ठीक है। ई के साथ में अगर आ भिन्न स्वर जोड़ दिया तो क्या होगा? या हो गया दोस्तों, ना, यही चीज हम बताना चाह रहे थे। तो देखिए, ई के साथ में हम आ जोड़ेंगे तो या हो जाएगा। देखिए कैसे, समझिएगा। देखिए, अतिधन अधिक, तो यहाँ पे देखिए छोटी ई है और यहाँ पे क्या है? छोटा आ, तो क्या होगा दोस्तों? या हो गया ना दोस्तों, या हो गया। देखिए ये, देखिए छोटी ई और छोटा आ मिला के क्या होगा? या होगा। थोड़ा सा देखिए, देखिएगा, या होगा दोस्तों। तो या क्या होगा? अत्यधिक। यद्यधन अपि, यद्यपि, अतिधन अल्प, अत्यल्प, अध्ययन अयन, अध्ययन रीत धन अनुसार, रीत अनुसार, और अधिधन अच्छ, अध्यक्ष दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे छोटी ई और छोटा आ मिलके या हो गया, ठीक। छोटी ई छोटा आ मिलके या हो गया, छोटी ई छोटा आ मिलके या हो गया दोस्तों, छोटी ई छोटा आ मिलके या हो गया दोस्तों, छोटी ई और छोटा आ मिलके क्या हो गया? या हो गया दोस्तों। समझिएगा यहाँ पे क्या होगा? ई और आ मिलके या हो रहा है। उसी तरह हम दूसरा देखते हैं, तो ई के साथ में अगर हम बड़ा आ मिलाते हैं दोस्तों, तो अभी देखिएगा। देखिए, इतधन आदि, इत्यादि, अतिधन आचार, अत्याचार, अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक, अतिधन आनंद, अत्यानंद दोस्तों, अग्निधन आशय, अग्नाशय दोस्तों, निधन आस, न्यास, और विधन आस, व्यास हो जाएगा दोस्तों, ठीक। विधन आस, व्यास हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर छोटी ई है और ये बड़ा आ मिलके क्या हो गया? या हो गया। छोटी ई बड़ा आ मिलके या हो गया, छोटी ई बड़ा आ मिलके या हो गया दोस्तों, छोटी ई बड़ा आ मिलके या हो गया, छोटी ई और बड़ा आ मिलके फिर भी यहाँ पे या हो गया दोस्तों, अग्नाशय, ठीक।
तो क्या होगा, ये यहाँ पे अग्नाशय गलत दिखा दोस्तों, तो इसको आप सही कर लेंगे तो अग्नाशय में या आएगा तो वो हो जाएगा या। और निधन आस, देखिए छोटी ई और आ मिलके या हो गया, और वी छोटी ई और आ मिलके क्या हो गया दोस्तों, या हो गया। तो ये चीज़ें हैं क्या है आपका यण संधि दोस्तों। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट तरीके से जोड़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ई के साथ में हम भिन्न स्वर क्या ऊ को जोड़ते हैं, ऊ और बड़े ऊ को, देखिए ई को जोड़ते हैं ऊ के साथ में तो क्या होगा यू हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो मात्रा होगी वो मात्रा भी लग जाएगी। अब देखिए ई के साथ में हमने ऊ जोड़ा तो छोटे ऊ जोड़ा तो छोटा ऊ हो जाएगा, अब ई के साथ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे या के साथ में। ठीक दोस्तों, इस तरीके से उसका मात्रा भी हम उसमें लगाएंगे दोस्तों। देखिए प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, उपरधन युक्त, उपरयुक्त दोस्तों, अभिधन उदय, अभ्युदय, विधन उत्पत्ति, व्युत्पत्ति दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, छोटी ई और छोटा ऊ मिलकर क्या होगा यू होगा। देखो समझिएगा, छोटा ई छोटा ऊ मिलकर यू होगा, उसी प्रकार छोटी ई छोटा ऊ मिलकर यू होगा दोस्तों, छोटी ई छोटा ऊ मिलकर यू होगा, छोटा ई और छोटा ऊ मिलकर यू होगा दोस्तों, छोटा ई और छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया यू होगा दोस्तों। ठीक, चलिए अब उसी तरह से हम देखते हैं छोटी ई के साथ में बड़ा ऊ मिलाएंगे, जैसे निधन ऊन न्यून, वाणिधन उर्मी वाणी उर्मी, प्रतिधन ऊस प्रत्युष दोस्तों, विधन ऊह व्यूह, और अतिधन उर्ध अत्युर्ध ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर छोटी ई है और बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ा ऊ मिलकर क्या होना चाहिए यू, देखिए यहाँ पे यू है बड़ा ऊ है ना, या में बड़ा ऊ लगा है। वाणी, देखिए यहाँ पे छोटी ई और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, छोटी ई और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ प्रत्युष है ना दोस्तों, विधन ऊ छोटी ई और बड़ा ऊ मिलके बड़ा यू हो गया दोस्तों। ठीक है, अब छोटी ई और बड़ा ऊ मिलके बड़ा यू हो गया दोस्तों। ठीक, यू वाई में सॉरी या में बड़े ऊ की मात्रा लगे दोस्तों, ये है आपका चौथा नंबर। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला हम किसी साथ मिलाते हैं। अब देखिए ई को हम क्या करते हैं, ए के साथ मिलाते हैं, ई को हम क्या करते हैं ए के साथ मिलाते हैं, छोटी ई को एक साथ मिलाएंगे। अब देखिए या तो होगा मगर ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी। देखिए प्रतिधन एक प्रत्येक, देखिए छोटी ई और ए मिलके क्या होगा ए हो गया दोस्तों, छोटी ई और ए मिलके क्या होगा ए हो गया। अधिधन एसड़ा, देखिए छोटी ई अधि में क्या है छोटी ई और क्या हुआ ए, एसड़ा में क्या ए मिल गया दोस्तों, क्या होगा अध्यसड़ा ए की मात्रा। ठीक, उसी प्रकार से हम बड़ी ई के साथ में बड़ा आ जोड़ते हैं दोस्तों। देखिए देवी धन आगमन दिव्यागमन, देवी धन आलय दिव्यालय, सखी धन आगमन सख्यागमन, और नदी धन आमुख नद्यामुख ना दोस्तों। देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, अब देखिए बड़ी ई बड़ा आ मिला तो या के साथ में बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे बड़ी ई है और बड़ा आ मिलके, बड़ी ई बड़ा आ मिलके क्या हो जाएगा या हो जाएगा दोस्तों, बड़ी ई बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा या हो जाएगा, बड़ी ई बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा या हो जाएगा, और बड़ी ई बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा या हो जाएगा दोस्तों, नद्या मुख। चलिए सातवां नंबर देखते हैं। देखिए अब बड़ी ई के साथ में ए मिला देते हैं दोस्तों, तो क्या होना चाहिए आय, क्योंकि देखिए आय है तो आय की मात्रा लगेगी ना, उसी प्रकार से ऊ में अब देखते हैं आ मिलाएंगे तो वह हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं, छोटे आ की मात्रा क्या होता है ऐसे हो जाता है। ठीक, तो देखिए अगर बड़ी ई में ए की मात्रा मिलाते हैं, सखी धन ऐश्वर्य सखैश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य नदैश्वर्य, और देवी धन ऐश्वर्य देवैश्वर्य है ना दोस्तों, ये चीजें। अब देखिए यहाँ पे बड़ी ई और ए मिलके क्या हो गया आय हो गया दोस्तों, नदी बड़ी ई और आय मिलके आय हो गया दोस्तों, अब देवेश्वर देवी में क्या है बड़ी ई और ए मिलके क्या हो गया देवेश्वर आय हो गया ना दोस्तों। इसी प्रकार से अब देखिए आ के साथ में आ मिला देते हैं ऊ, सॉरी ऊ के साथ में अगर आ का ऊ मिलाते हैं तो वाह होगा। देखिए मनु धन अंतर मनवंतर दोस्तों, ठीक सुधन अच्छ स्वच्छ, और सुधन अल्प स्वल्प, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लेगा स्वल्प में क्या हो, आप स्वधन अल्प मत कर देना दोस्तों, सुधन अल्प होगा, इससे स्वागत में सुधन आगत, ठीक सुधन आगत दोस्तों समझिएगा वो चीज़ आप समझिएगा, अगर स्वागत पूछ ले कौन सा उपसर्ग होगा तो सु हो जाएगा, स्वा नहीं होगा दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ें समझिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऊ और छोटा आ मिल गया तो क्या होगा वाह होगा दोस्तों, उसी प्रकार सु देखिए छोटा ऊ और छोटा आ मिल गया क्या होगा वाह होगा, छोटा ऊ और छोटा आ मिलके वाह होगा स्वल्प दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, उसी प्रकार देखिए छोटा ऊ और छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा वाह हो गया दोस्तों। ठीक, चलिए अगला देखते हैं नाइन्थ नंबर, छोटा ऊ के साथ में बड़ा आ जोड़ते हैं दोस्तों तो वाह हो जाएगा, देखिए बड़े आ की मात्रा जाएगी यहाँ पे ना वाह के साथ में। अब देखिए सुधन आगत स्वागत, मधुधन आलय मध्वालय, लघुधन आदि लघ्वादि, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या सु के बाद में क्या छोटा ऊ तो छोटा ऊ इसमें होगा और बड़ा आ, ये देखिए छोटा ऊ के साथ में बड़ा आ मिलेगा तो वाह हो गया बड़ा आ हो गया, उसी प्रकार से छोटा ऊ मधु में छोटा ऊ आलय में बड़ा आ तो क्या हो गया बड़ा। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से लघु में छोटा ऊ और आदि में बड़ा आ तो बड़ा वाह हो गया ना दोस्तों, इस प्रकार से। अब टेंथ नंबर देखते हैं, देखिए छोटे ऊ के साथ में हम ई जोड़ते हैं तो वी हो जाएगा दोस्तों, देखिए छोटे ई की मात्रा लग जाएगा ना वाह में, तो ये चीज़ है। जैसे अनुधन इति अनवित
और अनुधन इत अनुवित है ना, और धातु धन एक धात्विक। अब देखिए यहाँ पे छोटा उ और ई मिलके वी हो गया दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से छोटा उ और ई मिलके वी हो गया, और छोटा उ और ई मिलके क्या हो गया, वी हो गया दोस्तों, है ना। इस प्रकार से क्या हुआ, ये भी आपका यण संधि होता। अभी हम इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से आप इनको पहचान सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम ऊ के साथ में बड़ी ई मिला देते हैं, तो बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी वी में, है ना। तो ऊ के साथ में बड़ी ई की लगेगी तो वी हो जाएगा दोस्तों, ना। देखिए जैसे अनुधन इच्छण, तो क्या छोटी छोटा ऊ और बड़ी ई मिलाकर क्या हो गया, बड़ी ई दोस्तों, ठीक है। बड़ी वी में वी होगा, वी में बड़ी ई की मात्रा, ना। देखिए छोटा ऊ मिला यहाँ पे और बड़ी ई मिलकर वी हो गया, तो वी देखिए ये, है ना। उसी प्रकार देखते छोटे ऊ में ए मिलाते हैं तो वे हो जाएगा दोस्तों, ना। देखिए ए की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे। देखिए प्रबोधन ऐसा प्रभेषण, है ना, अनुधन ऐसण अन्वेषण, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अन्वेषण, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या, छोटा ऊ और ए मिलके वे हो गया दोस्तों, ये देखिए इसी रूल को फॉलो कर रहा, छोटा ऊ और ए मिलके क्या हो गया, वे हो गया दोस्तों, ठीक। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ज्यादा। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। अब देखिए छोटा बड़ा ऊ और आ मिलाते क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों। देखिए वधुधन अर्थ वध्वर्थ, देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ है और आ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, एकदम नियम फॉलो कर रहा 13 नंबर, ठीक। चलिए अब 14 नंबर देखते हैं, बड़ा ऊ के साथ में अगर बड़ा आता तो वह हो जाएगा, ठीक। अब बड़े आके मंत्र लग जाएगा इसमें, ठीक। जैसे वधुधन आगमन वध्वागमन भूधन आदि वादि वधुधन आदेश वध्वादेश दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ बड़ा आ बड़ा ऊ बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। बड़ा ऊ और बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा दोस्तों, ठीक। बड़ा आ, ठीक। उसी तरह बड़ा ऊ और बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। वधु धन आदेश वध्वादेश दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। अब देखिए बड़ो बड़ा ऊ के साथ में ई मिलाते तो वी हो जाएगा दोस्तों, छोटी ई की मात्रा लग जाएगा, है ना। जैसे वधु धन इष्ट, तो वधु इष्ट हो जाएगा दोस्तों, मगर यहाँ पे क्या है, छोटा बड़ा ऊ है और प्लस में छोटी ई यहाँ से निकल जाएगा, ना, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये देखिए वी मिल गया, ठीक दोस्तों। अगला है बड़ा ऊ के साथ में बड़ी ई मिलाएं तो क्या हो जाएगा, वधु धन ईर्ष्या वधु ईर्ष्या दोस्तों, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ है, ठीक, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बड़ी ई है दोस्तों, तो क्या होगा, वी हो गया दोस्तों, ठीक। तो ये यही नियम फॉलो कर रहा है ये 16 नंबर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बड़ा ऊ के साथ में अगर ए मिलाते तो क्या हो जाएगा, ए की मात्रा आ जाएगी, वे हो जाएगा दोस्तों। जैसे वधु धन एसड़ा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ है और यहाँ पे ए है दोस्तों, क्या होगा, वे हो गया दोस्तों, वधु एसड़ा, है ना। अब देखिए री के साथ में क्या, ऋषि के साथ में क्या, छोटा आ मिलाते री हो जाएगा, तो क्या, पित्र धन अनुमति पित्रानुमति दोस्तों, ठीक है, पित्रानुमति। देखिए पित्र में री आ गया और ये आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे रा होगा, पित्रा, है ना, तो ये समझिएगा। उसी प्रकार देखिए पित्र धन अनुदेश, तो यहाँ पे क्या है, री है और यहाँ पे छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए अगर हम री के साथ में बड़ा आ मिलाते हैं तो मात्र प्लस आनंद मात्रानंद पित्र धन आदेश पित्रादेश पित्र धन आ गया पित्राज्ञा। अब देखिए यहाँ पे री और बड़ा आ मिला के क्या हो गया, रा हो गया, मात्रा, है ना, इस प्रकार से। पित्र री के साथ में बड़ा आ मिला क्या हो गया, त्रा हो गया, ठीक दोस्तों। उसी प्रकार से पित्र में री के साथ में बड़ा आ मिला क्या हो गया, त्रा हो गया दोस्तों, ना, ये चीजें। अब देखिए री के साथ में अगर ए मिलाते हैं तो रे हो जाएगा दोस्तों, भात्र धन एसड़ा भात्रेसड़ा दोस्तों, है ना। यहाँ पे देखिए रा मिला है, री मिला है और ए मिल गया, तो क्या हो गया, ए हो गया, ठीक दोस्तों, रे हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये आपका क्या चल रहा था, यण संधि दोस्तों। देखिए हम देखते हैं 21 नंबर कि री के साथ में अगर ओक मिलाते तो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, यही मात्रा लग जाएगी। देखिए भात्र धन ओक भात्रोक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, री मिल गया और ओ मिल गया, क्या बन गया है, ओ बन गया। अब देखिए री के साथ में अंग मिलाते रंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मात्र धन अंग मात्रांग और धात्र धन अंश धात्रांश दोस्तों, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे री है और यहाँ पे अंक है दोस्तों, तो क्या होगा, ठीक, समझ में आया दोस्तों, उससे ज्यादा री है और अंक है, ठीक दोस्तों, तो धात्रांश होगा दोस्तों, ठीक। तो ये है आपका यण संधि, यण संधि के बारे में भी हमने पढ़ लिया दोस्तों। अगर कोई दिक्कत होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दिए करके, हम आपका कमेंट जो है उसको देख करके हम आपका सोल्यूशन पहुंचा देंगे आप तक, ठीक दोस्तों। अब देखिए इसकी पहचान की बात करते हैं, तो देखिए आपको करना क्या दोस्तों, कहीं भी आपको कोई अक्षर मिल जाए जहां से वो टूटता है, अगर कोई अक्षर मिलता है बीच में, उसके अक्षर के बीच में या और वह आता है दोस्तों, या और वह आता है, और उसके पहले कोई भी अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन क्या, जैसे आधा ता मिल गया, आधा धा मिल गया, आधा ना मिल गया, कुछ भी मिल जाए आधा होगा, कोई भी का से लेकर के क्या तक अगर आधा मिलता है तो दोस्तों वह क्या होगा, आपका यण संधि। देखिए दिखा देते हैं आपको, चलिए देखिए यण संधि किस प्रकार से होगी वो हम आपको दिखा के दिखा देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अब देखिए हम यहीं शुरू कर देते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ क्या है, ये पूरा सेंटेंस लिखा तो हमने बताया, या और वा के पहले कोई भी आधा व्यंजन आया, देखिए वा के पहले आधा धा आ रहा है, यहाँ पे देखिए वा के पहले क्या, आधा धा आ रहा है, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा आपका, यण
ठीक है। अब देखिए भूधन आदि, अब वा के पहले आधा भा आ रहा है, उसी प्रकार वा के पहले आधा धा आ रहा है, वा के पहले आधा धा आ रहा है, वा के पहले आधा धा आ रहा है, ये क्या होगा, यण संधि होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रबोधन विश्राम, देखिए ये वा है, वा के पहले क्या आधा भा आ रहा है, इसी प्रकार वा के पहले आधा ना आ रहा है, उसी प्रकार वा के पहले आधा ना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक, हमने क्या बोला या और वा के पहले। अब देखिए वा के पहले आधा सा आ रहा है ना, वा के पहले आधा धा आ रहा है, और वा के पहले आधा ना आ रहा है, और वा के पहले क्या आ रहा है, आधा ता आ रहा है दोस्तों, नहीं वा के पहले आधा ना आ रहा है, इसलिए क्या होगा, यण संधि होगी दोस्तों। ठीक है, ये समझिए, बहुत अच्छा उदाहरण। ठीक, अब देखिए सख है स्वर, अब देखिए यहाँ पे या है, तो या के हमने कहा कि या और वा के पहले, या के पहले आधा खा रहा है, या के पहले आधा दा रहा है, या के पहले आधा वा आ रहा है, इसी प्रकार से या के पहले आधा दा रहा है, इसी प्रकार से चलता रहेगा दोस्तों। ठीक, जैसे देवालय, तो या के पहले आधा वा आ रहा है ना, प्रत्येक, तो या के पहले क्या आधा ता आ रहा है, अध्यक्षणा, तो या के पहले क्या आ रहा है, आधा धा आ रहा है दोस्तों। ठीक, तो या और वा के पहले कोई आधा क्या आएगा, अर्ध व्यंजन आएगा दोस्तों। ठीक, अर्ध व्यंजन आएगा, तो आप समझ आना क्या होगा, यण संधि। जैसे न्यून में क्या है, या के पहले आया ना आधा, ठीक, जैसे वाणियों में तो क्या है, या के पहले आधा आड़ा आ गया, प्रत्युष में क्या है, या के पहले आधा ता आ गया, व्यूह में क्या है, या के पहले आधा वा आ गया, अभ्युदय में क्या होगा, या के पहले आधा भाग है। तो इस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं दोस्तों। तो एक बार हम रिवीजन करेंगे सभी संधियों के शॉर्ट ट्रिक का। तो देखिए स्वर संधि में पहले हमने क्या देखा, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ, ठीक, और दीर्घ में हमने क्या देखा कि जहाँ पे क्या आता था, बड़े आ की मात्रा, ठीक, दीर्घ में क्या देखा हमने कि जहाँ कहीं भी बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा आती थी, वहाँ पे हम पहचान लेते थे दीर्घ संधि। ठीक, आपने अगर नहीं देखा पिछली वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, जिस प्रकार ये समझ में आया। ठीक, उसके बाद आपका आया गुड़ संधि। अब गुड़ संधि में क्या हो दोस्तों, जहाँ पर भी ए आ जाए और ओ आ जाए, ठीक, ए और ओ की मात्रा लग जाए बीच में, वहाँ पे गुड़ संधि होगी। हालांकि कुछ उसमें क्या होता है, जैसे कि आप विसर्ग संधि में जाओ, ये सोदा में, तो आपको लगा मिलेगा उसमें नहीं होगा दोस्तों, कुछ हालत मतलब कि आपको थोड़ा सीखना होगा, मगर ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी 95%। ठीक दोस्तों, चलिए अब उसके बाद आया है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब क्या, वृद्धि कर देना। अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे, जिससे ए है और ओ है, ये गुड़ में था, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक और बढ़ा देंगे, यानी आय की मात्रा और औ की मात्रा में क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। अब देखिए यण संधि हमने पढ़ा, तो यण में हमने क्या बताया, या और वा के पहले कोई भी अर्ध व्यंजन आ जाएगा, तुम्हारा यण संधि का उदाहरण होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर आपने हमारी पहले वीडियो नहीं देखी, तो आपको बता दें किस प्रकार से आप देखोगे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको इस प्रकार से प्लेलिस्ट खुलती हुई मिल जाएगी दोस्तों। और आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस वाले प्लेलिस्ट पे जाएंगे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए आप ये प्लेलिस्ट खोल सकते हैं दोस्तों। इस पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सेट मिल जाएंगे, और भी बहुत चीज़ें आपके उपयोगी एग्जाम के लिए मिल जाएंगी। और इसके लिए हिंदी टेस्ट के लिए यहाँ पर जाइए दोस्तों, बहुत सारे हिंदी टेस्ट मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर UPSI के लिए यहाँ पर जाइए, और मूल विधि के क्लासेस लेने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश शिक्षा की बना रखी है, और संविधान की। उसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच, इसमें आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगे दोस्तों। पूरी हिंदी हमने कवर कर दी है लगभग लगभग दोस्तों, लगभग 10% बचा, वो भी धीरे धीरे कवर होने वाली है दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो हम कल लेके आएंगे दोस्तों, कौन सा होगा, हमारा अयाध्य संधि का। ठीक, अयाध्य संधि का, इसके बाद स्वर संधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम विसर्ग और व्यंजन संधि के बारे में देखेंगे। और अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।